नमस्कार। खबर फास्ट पर बड़ा मुद्दा लेकर मैं हूं आपके साथ भविष्य त्यागी। किसानों का आंदोलन केंद्र सरकार और किसानों की लड़ाई के साथ साथ दो प्रदेशों के बीच की जंग भी बन गया है। हरियाणा में किसानों के विरोध प्रदर्शनों के बीच पंजाब सरकार किसानों के मुद्दे पर फ्रंट फुट पर दिखाई दे रही थी। हालांकि अब हरियाणा सरकार की ओर से दावा किया जा रहा है कि खेती किसानी के क्षेत्र में हरियाणा अपने बड़े भाई पंजाब से आगे निकल गया है। तो पंजाब सरकार कहती है कि किसानों की बदहाली के लिए हरियाणा सरकार जिम्मेदार है। खैर, दोनों प्रदेशों के बीच इस सियासी जंग में सवाल यह है कि क्या वाकई हरियाणा ने कृषि क्षेत्र में कुछ और फासला तय किया है या फिर ये महज किसानों के एजिटेशन के बाद आंकड़ों की बाजीगरी है। और अगर हरियाणा सरकार के दावों में दम है तो आखिर पंजाब सरकार कहां चूक रही है? यही आज का बड़ा मुद्दा और इसी पर होगी आज की बड़ी बहस। तो जब से हरियाणा सरकार ने खेती किसानी में पंजाब से आगे होने का दावा किया, इस मसले पर पंजाब और हरियाणा के बीच बयानों के जो तीर हैं वो तेजी से छोड़े जाने लगे और दोनों ही प्रदेश सरकारें खुद को बड़ा किसान हितैषी साबित करने की होड़ में जुट गई हैं। पंजाब कहीं भी नहीं है, किसान में भी मैं बता रहा हूं, अगर पर एकड़ यील्ड देखें तो ये रिकॉर्ड की बात है। हरियाणा की पर एकड़ यील्ड पंजाब से ज्यादा है। उसके बाद हम जो सब्सिडी दे रहे हैं ना जी, हम कितनी फसलों पे दे रहे हैं वो नहीं दे रहे हैं। हम मक्का पे दे रहे हैं, हम आपके गन्ने पे दे रहे हैं, हम ज्वार पे दे रहे हैं, हम चने पे दे रहे हैं। पंजाब में कहीं भी इतने मिले, हमारे कहीं बराबर ही नहीं है। भी हरियाणा दे विच भाजपा की सरकार है ते केंद्र दे विच भी भाजपा की सरकार है, जिदे मुखी साडे मानयोग प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। अगर उन्होंने इन्ना किसानों के प्रति हमदर्दी है तो पिछले लगभग 7-8 महीनों तो उसे सड़कों के रोले उन्होंने बैठ के गल सुन लैन, सुविधा देने का लोड़ ही नहीं, गल सुन के उन्होंने मसले हल कर देन। तो जितों के पंजाब की गल है, पंजाब की कांग्रेस की साड़ी पंजाब की जी कांग्रेस है हमेशा किसानों के हक च रही है। राहुल गांधी जी का वस्ताना पर ट्वीट आया था, अब राहुल गांधी जी भूल गए हैं, किसान प्रेम उनका खत्म हो गया है। पंजाब के किसानों पर लाठीचार्ज होता है तो राहुल गांधी जी को पता ही नहीं लगता। हरियाणा में जो कांग्रेस उकसा करके ऐसा माहौल पैदा करके कोई चीज़ करवाते हैं फिर ट्वीट करते हैं, इसे स्पष्ट तौर पर हो गया है। कांग्रेस जो है अव्यवस्था फैला करके किसानों के कंधे पर रखी बंदूक चलाना चाहती है। कांग्रेस किसी भी तरह से किसान हितैषी नहीं है। तो चलिए आपको बताते हैं कि हरियाणा किन आंकड़ों के आधार पर पंजाब से आगे खुद को बता रहा है। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो हरियाणा सरकार के दावे, कृषि विकास दर 6.3% है और पंजाब में कृषि विकास दर 2.1%। इसके अलावा और भी कई दावे हरियाणा सरकार की तरफ से लिखित में किए जा रहे हैं। गन्ना उत्पादक किसानों के लिए प्रदेश में 11 चीनी मिलें स्थापित की गई, पंजाब में 15 चीनी मिलें जिनमें से 6 चीनी मिल बंद है। 11 फसलों को MSP पर खरीदा जा रहा है, वहीं पंजाब में 3 फसलों को ही मैज MSP पर खरीदा जा रहा है। 21 फल सब्जियों के लिए भावांतर भरपाई योजना हरियाणा में है और पंजाब में ऐसी कोई योजना नहीं है। मंडियों में आने वाले किसानों और आढ़तियों का 10 लाख का बीमा कवर है हरियाणा में और KCC की तर्ज पर पशुधन क्रेडिट कार्ड योजना भी है। इसके अलावा 58,000 कार्ड जारी हो चुके हैं। ड्रिप इरिगेशन के लिए 85% अनुदान हरियाणा में दिया जाता है, वहीं यह आंकड़ा पंजाब में 80% का है। हालांकि किस तरह से आंकड़े की बाजीगरी की बात हम कह रहे हैं, क्योंकि कुछ ऐसे भी आंकड़े हैं जो ये बताते हैं कि हरियाणा सरकार के दावों में कुछ आंकड़े दबाए भी गए हैं। तो हरियाणा की औसत सालाना आय जो है किसानों की वो कम है पंजाब की। प्रतिदिन व्यक्ति दूध उपलब्धता जो है प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, उसमें हरियाणा पीछे दिखाई देता है। कोल्ड स्टोरेज की बात करें या फसल खरीद की बात करें तो ये आंकड़े भी कहते हैं कि पंजाब से पीछे है हरियाणा। हालांकि NCRB की रिपोर्ट में भी कुछ बातें हैं जो ये बताती हैं कि हरियाणा में नीतिगत फैसले कुछ बेहतर लिए गए हैं और
हम क्यों ये कह रहे हैं, ये देखिए 2018-19 में एक भी किसान ने आत्महत्या नहीं की हरियाणा में, वहीं 471 का आंकड़ा पंजाब में है। प्रति कृषक परिवार औसत बकाया कर्ज में भी हरियाणा बेहतर है। हालांकि फिलहाल हरियाणा सरकार के अपने दावे हैं, हरियाणा सरकार की तरफ से दावा किया जा रहा है कि कृषि के क्षेत्र में पंजाब से आगे निकल चुका है हरियाणा। तो फिर से आपको हरियाणा सरकार के दावे हम दिखा रहे हैं। 11 फसलों को एमएसपी पर खरीदा जा रहा है, इसमें गेहूं, जौ, चना, सूरजमुखी, सरसों, धान, मूंग, मक्का, बाजरा, कपास और मूंगफली है। पंजाब में महज 3 फसलों को एमएसपी पर खरीदा जा रहा है, उनमें गेहूं, धान और सूरजमुखी है। हरियाणा में गन्ना उत्पादक किसानों के लिए 11 चीनी मिलें स्थापित की गई हैं, वहीं पंजाब में 15 चीनी मिलें हैं जिनमें से 6 बंद हैं। फल सब्जियों के लिए हरियाणा में भावांतर भरपाई योजना चलाई जा रही है और पंजाब में इस तरह की कोई योजना नहीं है। हरियाणा में केसीसी की तर्ज पर किसानों को पशुधन क्रेडिट कार्ड भी दिया जा रहा है। तो खैर, अब पंजाब और हरियाणा के बीच किसानों को लेकर जो सियासी जंग छिड़ चुकी है, इस मुद्दे पर चर्चा के लिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। कृष्ण ढुल हैं, बीजेपी प्रवक्ता, साथ ही साथ राणा बलजीत चहल, कांग्रेस नेता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही साथ गुरजीत सिंह मान, कृषि विशेषज्ञ भी हमारे साथ इस वक्त सीधे जुड़ गए हैं। आप सभी मेहमानों का सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत। बलजीत चहल जी, सबसे पहले मेरा सवाल आप ही से, अगर छोटे भाई ने कुछ नीतिगत फैसले लिए हैं और किसानी खेती किसानी के मामले में कुछ बेहतर किया है तो मानने में क्या तकलीफ है? देखिए, पहली बात तो ये है कि पंजाब और हरियाणा का किसी बात का कंपटीशन नहीं है जी। दूसरी बात, जहाँ तक आप कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी सरकार होती है अपने स्टेट के लिए, अपने लोगों के लिए, जैसी वहाँ पे मौसम होता है, कैसी फसल की रिक्वायरमेंट है, उसी हिसाब से ये भाव या मंडी का सिस्टम होता है। जहाँ तक आप पंजाब की बात कर रहे हैं, पंजाब में पंजाब सरकार ने अभी तक जो किसानों के लिए किया, चाहे वो कर्जा माफी की स्कीम हो, जो 5 एकड़ से कम वाले किसान हैं, उसके बाद इनके जो बीमा कार्ड है उसकी बात हो, उसके बाद जो केसीसी की लिमिट्स हैं उसकी बात हो, जहां तक आपने पशुधन की इनकी बात की है, उसी तर्ज पर हमारे भी दिए जा रहे हैं। दैट आर द डिफरेंट मैटर्स ऑफ एवरी स्टेट, अलग स्टेट का है। पर इस टाइम मेरी बात पूरी होने या बाद में बात चलिए करिए अपनी बात पूरी कीजिए। इस मुद्दे पे ऐसी इस समय पे जब सबसे आज पीक पे लगी हुई है किसानों के लिए, अपनी फसल और अपनी नस्ल के लिए पिछले 8-9 महीनों से एजिटेशन कर रहे हैं, इस तरह के बयान देके, SYL के मुद्दे को बयान लेके, अभी रणजीत चौटाला जी का ये बयान लेके, उससे पहले लेके कि खट्टर साहब ने जो कहा है कि पंजाब का किसान है वो उकसा रहा है हरियाणा को, किसान को, जो धरने में जो भी ये हो रहा है लॉ एंड ऑर्डर्स की सिचुएशंस को लेके, इस समय पे ऐसी स्टेटमेंट्स देने का मतलब ये है कि एजिटेशन को कहीं ना कहीं पे खोरा लगाने की कोशिश की जा रही है, किसानों में फर्क डालने की कोशिश की जा रही है, किसानों को अलग अलग हरियाणा और पंजाब के किसान को रेस में दौड़ाने की कोशिश की जा रही है। पर जो ये किसान है, हिंदुस्तान का किसान है, उनको पता है कि ये ना तो लड़ाई पंजाब की है, ये ना हरियाणा की लड़ाई है, ये आने वाली हमारी नस्लों और फसलों की लड़ाई है। उसके लिए हम लोग जंग है जो एक किसी व्यक्तित्व आदमी की नहीं है, सभी एक मुट होके एक प्लेटफॉर्म पे ये जंग अपनी लड़ रहे हैं। चलिए तो जवाब ले लेते हैं। तो शुरू से जो ब्रिटिशर्स की पॉलिसी रही है, डिवाइड एंड रूल की, डिक्टेटरशिप की, जो मोदी सरकार की रही है कि हिंदुत्व को लेके, माइनॉरिटीज को लेके बात कर दो, अब सबसे बड़ा गंदा पत्ता जो खेल रहे हैं, देखिए आपको इन चीजों के लिए इनको भुगतना पड़ेगा, जो अब किसानी का पत्ता खेल रहे हैं किसानों को डिफरेंसेस करने के लिए, सो ये कामयाब नहीं होंगे। लड़ाई होनी चाहिए, मुद्दों की होनी चाहिए। अगर इतना ही ये अच्छे हैं भाजपा वाले, जो हरियाणा की सरकार है, तो जाएं ये आगे लगे खट्टर साहब, बोले मोदी साहब को जाके, जी ये 3 कानून है, ये सबसे बड़े खतरनाक कानून है, इस पे पंजाब हिंदुस्तान की फसल और नस्ल की स्टीक पे लगी है, इनको वापस लीजिए।
तो सभी किसान चलिए मैं जवाब ले लेता हूँ। कृष्ण ढुल हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। कृष्ण ढुल साहब, क्या ये पूरा जो सियासी घटनाक्रम हो रहा है किसानों के एजिटेशन की वजह से हो रहा है, और अब हरियाणा सरकार क्या इसमें आंकड़ों की बाजीगरी कर किसान हितैषी साबित खुद को करना चाहती है? नहीं, देखिए त्यागी जी, जैसा कि बहन साहब बता रहे थे, ये खेलने का खेला तो ये खेलते होंगे, क्योंकि अभी इन्होंने कहा कि पत्ता है, पत्तों से खेल रहे हैं। तो वो पार्टी जिस रीति और नीति से चलती है वो आदमी के स्वभाव में निकल ही आता है। इनका काम पत्तों के साथ खेलना रहा होगा, और अंग्रेजों वाली जो नीति उन्होंने बताया है डिवाइड एंड रूल, वो भी अगर बात करेंगे तो हिंदुस्तान में अभी तक सबसे ज्यादा अगर कोई सरकार रही है तो वो कांग्रेस की रही है जी। कांग्रेस की सरकार के साथ आज देश की हालत, किसान की हालत कमजोर है या बुरी स्थिति है, जो जैसे भाई चल साहब बता रहे हैं, तो उसमें भी अगर आप देश में 75 सालों की आजादी के बाद 66 साल से ज्यादा जो राज किया है, 60 साल से ज्यादा जो राज किया है, वो कांग्रेस पार्टी ने कराया, तो दुर्दशा क्यों है? और मैंने भी ये कहा, मैं यहाँ इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि ये आंकड़ों की लड़ाई नहीं है जी, ये नीतियों की लड़ाई है। नहीं तो सर देखिए, जो आंकड़े पेश किए, जो डेटा पेश किया हरियाणा सरकार ने किसान के लिए, जो उसमें ये डेटा तो छुपा लिया ना कि किसानों की जो औसत सालाना आय है उसमें पंजाब देश में सबसे ऊपर है। नहीं, मैं कब मना कर रहा हूँ जी, आंकड़ा कहाँ छुपाया जी? तो कैसे बता, तो कैसे कृषि क्षेत्र में हरियाणा आगे हुआ? त्यागी जी, जब हम किसी चीज का मूल्यांकन करते हैं जी, दो भाइयों की तुलनात्मक दृष्टिकोण से बात करेंगे जी, तो मैं ये कहूंगा कि दोनों में गुण है, किसी में 19 है, किसी में 21 है जी। अब उसमें बात आएगी सरकार जो वर्तमान में काम कर रही है उसकी नीतियों की, कि उसकी कौन सी नीतियां जो है वो कृषि के क्षेत्र के लिए कारगर रही हैं। वो हमारी हरियाणा सरकार की नीतियां किसानों के लिए कारगर रही हैं, पंजाब के किसान की के लिए जो कांग्रेस की नीतियां, तो वो अच्छी नहीं रही हैं, इसलिए उनके आधे मिलाज बंद पड़े हुए हैं, हमारे सारे मिल चल रहे हैं। गन्ने का भी समर्थन मूल्य अगर आप बताओगे तो अभी पिछले दिनों ही तो 5 रुपए बढ़ा करके उनने ज्यादा किया। अदरवाइज आप हरियाणा का और पंजाब का इतिहास उठा के देख लो, हरियाणा का रेट गन्ने में पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा रहा है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ, नीतियां निश्चित तौर पर किसी न किसी सरकार में खामी हो सकती है, तो कांग्रेस की कुछ खामियां रही होंगी, और भारतीय जनता पार्टी किसान हितैषी सरकार है इसलिए वो लगातार काम कर रही है, और हरियाणा जो है वो अग्रणी बन रहा है, चाहे वो खेल में हो चाहे वो किसानी में हो। चलिए वापस लौटूंगा आपके पास। गुरजीत सिंह मान जी भी हमारे साथ जुड़े हुए, कृषि विशेषज्ञ हैं, कृषि एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मान साहब, क्या लगता है आपको फिलहाल क्या स्थिति है, और क्यों आखिर अब ये सियासी संग्राम बनता जा रहा है कि खेती किसानी में हम आगे हैं, पंजाब आगे है, हरियाणा आगे है, या फिर खुद को किसान हितैषी बताने की ये होड़ आखिर इस वक्त क्यों? देखिए, ये अच्छी बात है कि हम एक कंपटीशन कर रहे हैं कि कौन खेत या कौन लोग खेतीबाड़ी में आगे हैं जी। और जैसे आपने आंकड़े बताए, अगर कुछ एरियाज में हरियाणा आगे तो हम हरियाणा को बधाई देते हैं, बधाई के पात्र हैं जी। लेकिन अगर आप हिस्टोरिकली देखें तो एग्रीकल्चर ये दो स्टेट का इशू नहीं है, ये पॉलिटिकल बॉर्डर्स जो होते हैं ये एग्रीकल्चर और नेचुरल प्रोसेसेस को नहीं देखते हैं। दीज थिंग्स आर ग्लोबल इन नेचर, नेशनल भी क्या बोलना है जी। अगर मैं थोड़ा पीछे चलूं तो जब अनडिवाइडेड पंजाब था, जब पाकिस्तान नहीं बना था, उस समय जो सबसे बेहतरीन खेती होती थी वो वेस्ट पंजाब में होती थी, ये मैं 47 से पहले की बात कर रहा हूँ। वो हिस्सा आज के दिन दूसरी तरफ रह गया डिवीजन के बाद। उसके बाद जो हमारा हिंदुस्तान बना उसमें 1966 तक एक विशाल पंजाब था, 66 के बाद ये दो सिस्टर स्टेट्स बन गई जी। उसमें भी दोनों में क्योंकि पहले एक ही थी तो एक ही प्रकार की नीतियां थी, एक ही प्रकार की खेती भी होती थी। उसके बाद जब दोनों का डिवीजन हुआ तो अपना अपना, पहले का पंजाब में कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर था, हरियाणा में कुछ और बना। यहाँ उल्लेखनीय ये है कि हरियाणा को एक डेफिनेटली एडवांटेज है कि हमारे यहाँ कृषि को लेकर जो स्टेट और सेंट्रल एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट्स हैं हरियाणा में पंजाब से अधिक हैं। देखा जाए तो पंजाब में एक पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, एक या दो मुझे लगता है कि प्राइवेट सेक्टर में इसको लेकर, खेतीबाड़ी को लेकर रहते हैं। हरियाणा में एचएयू के अलावा करनाल हब है, आईसीएआर के डिफरेंट
रिसर्च सेंटर्स का जी, सिरसा में कॉटन रिसर्च सेंटर है सीआईसी, इसी प्रकार से हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी डेवलप हो रही है, और भी ये इस तरह की जो जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं उनका डेफिनेटली हरियाणा को फायदा मिल रहा है। हालांकि वो कोई बाउंड्रीज नहीं है, उन स्टेट इंस्टीट्यूट्स का फायदा कोई भी स्टेट के लोग के फार्मर्स आके ले सकते हैं, और बकायदा पंजाब के फार्मर, राजस्थान के फार्मर, अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि तमिलनाडु के फार्मर करनाल चल के आएंगे, वो जब भी बड़े लेवल के कृषि मेले लगते हैं, अब तो कोविड का टाइम चल रहा है, ये भी ऑनलाइन हो चुके हैं, तो आप देखिए कि पूसा दिल्ली में भी आप जाएंगे तो पंजाब के फार्मर भी वहां मिलेंगे, हरियाणा के भी मिलेंगे। तो ये पॉलिटिकल लड़ाई और आंकड़ों के खेल में तो मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि आंकड़े अगर पूरे कंप्लीट दिए जाएं तब कंपैरिजन हो सकता है, लेकिन कंपैरिजन किया ही क्यों जाए जब भारत एक है, सारे भारत के किसान एक हैं, हम इन दो स्टेट की तुलना क्यों कर रहे हैं जी। और भी तो स्टेट्स हैं, कुछ स्टेट अपने अपने हिसाब से, कोई कॉटन में आगे है, कोई कोई अलग क्रॉप में आगे है, तो ये अच्छी बात है कि जो बयानबाजी कुलजीत जी हो रही है, क्या 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 आप मानते हैं कि फिलहाल, क्योंकि पंजाब में चुनाव है और एक तरफ जहां किसानों का एजिटेशन कृषि कानूनों को लेकर है, तो ये कहीं ना कहीं बयानबाजियां इन दोनों ही पहलुओं के बीच जो एक सियासी जंग चल रही है उसी का नतीजा है? देखिए, मैं पॉलिटिकल बात पे नहीं जाऊंगा, मैं अपनी बात कंप्लीट इस तरह से करना चाहूंगा कि जैसे मैंने कोट किया कि जो पार्ट पाकिस्तान में रह गया वो बहुत फर्टाइल था, लेकिन आज वहां से पता लगता है कि अब वो वैसा फर्टाइल नहीं है जी। क्योंकि जो जो भी भूमि पहले से आ जाती है खेती के नीचे अंडर द प्लाउ, उसको एक स्ट्रेस मिलता है, वो जिसे आम भाषा में कह जाते हैं कि लगातार खेती करने से वो थक जाती है, सॉइल फर्टिलिटी ओवर द डिकेड्स कम होती जाती है। पंजाब उसके बाद एक इंटेंसिव फार्मिंग का पार्ट था, अगर डिवाइडेड अनडिवाइडेड पंजाब को भी देखें, हरियाणा में बहुत सारे इलाके में बहुत अच्छी खेती नहीं होती थी, हरियाणा बनने के बाद धीरे धीरे विकसित हुई, जो हरियाणा में पुराने इलाके थे वहां स्ट्रेस के रहते अगर यील्ड का डेटा ले तो कम होता नजर आता है, और जो नए इलाके डेवलप हुए हैं वहां यील्ड बड़ी है, तो ये बायोटिक और एबायोटिक रीजंस भी हैं जिस वजह से कहीं यील्ड कम है कहीं ज्यादा है। जैसे आपने इनकम की बात अभी दर्शाई, उसमें अभी भी पंजाब, ये तो नहीं मैं कहूंगा कि हरियाणा से डबल है, आंशिक रूप से आगे तो है ही, लेकिन पॉलिटिकल की बात ना करें तो जरूरत इस चीज की है कि पूरे देश को समूचा एक एग्रीकल्चर प्रधान देश मानते हुए हमें जोर लगाना है टेक्नोलॉजी पे, हमें जोर लगाना है, अगर हम हरियाणा जैसे क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की बात करता है तो हमें नई क्रॉप, स्पेशली जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप जो दूसरे देशों में है, वो हम हरियाणा में नहीं पूरे देश में इंट्रोड्यूस करें, तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के लिए मेरा पानी मेरी विरासत की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब हमें पता होगा कि ये गेहूं और वीट से बेहतर हमें आमदन दे सकती है, कम इनपुट्स हो सकती हैं, ऐसे सीड्स हमारे पास उपलब्ध हैं, तो अपने आप किसान बिना किसी के कहे उनको अडॉप्ट करेगा। हमारी नेशनल पॉलिसीज भी इस पर काम नहीं कर रही हैं, हम कहीं ना कहीं फार्म के जो लॉज हैं उनको आप कॉमर्स के लॉज ही दे सकते हैं, उनमें टेक्नोलॉजी की तो कोई बात नहीं है, टेक्नोलॉजी में हम पिछड़ रहे हैं। और ये जब से कंफ्यूजन आया है फार्म लॉज को लेकर, मैं नहीं कहता ये अच्छे हैं या बुरे हैं, उसके बाद टेक्नोलॉजी को और सेटबैक लगा है। आप किसानों को ये चर्चा करते नहीं सुनेंगे कि कौन से बीज अच्छे हैं, वो सिर्फ इन कानूनों की बात करते हैं। इसी प्रकार से नेशनल इकोसिस्टम में भी आप केवल इन लॉज की बात कर रहे हैं, फार्म टेक्नोलॉजी की बात मुझे तो नहीं लगता टेलीविजन चर्चाओं में कहीं आती है। मेरे साथ कम से कम कृष्ण ढोल जी इस बात से तो सहमत होंगे कि जब भी आप टेलीविजन पर एग्रीकल्चर की न्यूज दिखेंगे तो एग्रीकल्चर की साइंस वहां से बिल्कुल नदारद है। इसी प्रकार मैं अपनी बात को यहाँ छोटा करता हूँ कि हरियाणा को एक एडवांटेज ये भी है कि हमारे यहाँ बासमती जैसी एक्सपोर्ट कमोडिटी खूब बढ़िया होती है और यहाँ पे ही एक्सपोर्ट यूनिट्स हैं। ये अच्छी बात है कि हमें इसका एडवांटेज है। और अब जो एक हायर क्वालिटी की प्रोड्यूस की बात करते हैं जी, वो पंजाब में कहीं ना कहीं हमारे से पहले शुरू हो चुकी है, लेकिन अभी उसकी मार्केट्स एक्सप्लोर करने में डिफिकल्टी है। जब वो मार्केट्स डेवलप हो जाएंगी तो पंजाब और हरियाणा एक ही हिस्से के भाई हैं, जो वो कर सकेंगे हरियाणा के लोग भी कर सकेंगे, जो हरियाणा के लोग कर रहे हैं वो पंजाब के लोग भी कर सकेंगे। आपके पास जवाब ले लेता हूँ बलजीत चहल जी, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी की बात तो ना आप कर रहे हैं ना हरियाणा सरकार कर रही है। जो गुरजीत सिंह मान जी कह रहे हैं
अब क्योंकि हरियाणा सरकार ने अपने आंकड़े पेश किए हैं और चूंकि पंजाब में चुनाव है आने वाले वक्त में, तो क्या जो फायदा जो फ्रंट फुट पर थी पंजाब कांग्रेस किसानों के एजिटेशन को लेकर, अब इन आंकड़ों के चलते एक बौखलाहट सी आ गई है? देखिए, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है जी। पंजाब सरकार ने, मैंने आपसे पहले भी कहा है कि बात होती है स्टेट्स के मुद्दों पे, स्टेट के मुद्दों को किन मैनिफेस्टो में क्या क्या लेके आई है सरकार जी। आप स्टेट्स के मुद्दों की बात कह रहे हैं, जेपी दलाल एक सवाल सुन लीजिए, जेपी दलाल कह रहे हैं कि जब हरियाणा में किसानों पर लाठीचार्ज होता है तो राहुल गांधी ट्वीट करते हैं, वहीं जब पंजाब में किसानों पर लाठीचार्ज होता है तो राहुल गांधी का जो किसान प्रेम है वो गायब हो जाता है। मेरी देखिए, आज शायद उन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह की जो स्टेटमेंट सुनी नहीं होगी, उन्होंने कहा है कि किसानों पे जो भी लाठीचार्ज हुआ है उस पे हम लोग इंक्वायरी बिठाएंगे उन ऑफिसर्स की। क्या इनके खट्टर खट्टर साहब ने कहा जब एसडीएम ने ऑर्डर दिया कि सिर फाड़ दो इनके? क्या इन्होंने पहले किसी पे एक्शन लिया? किसी मुख्यमंत्री ने कहा? क्या खट्टर साहब ने ये बात कही कि सबसे पहले जो जल तोपों का इस्तेमाल हुआ है या उससे पहले किसानों पे गोली चली है उसके लिए कभी इन्होंने सहानुभूति की किसानों के साथ? इन्होंने क्या बात की? इन्होंने ये कहा कि किसान लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आ गई थी इसीलिए हम लोगों ने कहा। कल तक ये एसडीएम का पक्ष लेते आए थे। ये तो जब किसानों का विरोध हुआ, सभी किसान जथेबंदियों ने एक प्लेटफॉर्म पे बात की, तभी कुछ ना कुछ एक्शन लेने की एसडीएम पे बात आई। तो ये जो आज राजनीति खेल रहे हैं किसानों के नाम पे, ये इनकी कहीं ना कहीं इनको पछड़ता हुआ करेगी। इनको कोई इस चीज का बेनिफिट नहीं होगा कि आज एक पंजाब के साथ कंपटीशन कर रहे हैं कि जी हम लोग आने वाले इलेक्शन में ये करेंगे। आज तो हमें इनका स्वागत करते हैं कि आप आइए, अगर आप किसानों की बात करते हैं, मोदी साहब किसानों की बात करते हैं, खट्टर साहब किसानों की बात करते हैं, तीन बिलों के लिए आप प्रेशराइज कीजिए अपने मोदी साहब को और बिल वापस लीजिए। चलिए जवाब ले लेते हैं। आप कह रहे हैं कि भाई क्या एसडीएम पर कार्रवाई होगी और जांच की, आपने दावा किया कि कैप्टन अमरिंदर ने जांच की बात कही है, जवाब दीजिएगा डुल साहब। देखिए, मान साहब ने बड़े साफ सुथरे शब्दों में बताया कि जब हरियाणा और हिमाचल अलग अलग बने जी, उस वक्त हरियाणा की जो आर्थिक स्थिति थी, चाहे वो किसान को लेकर के है या पर किसान इनकम को लेकर के है, वो डाउन थी जी। और क्योंकि पंजाब की तरफ पंजाब तो बोलते ही पांच दरियाओं वाले उसको थी, तो इस नाते पानी की भी बहुत आय थी। हमारे यहाँ तो सारा मरु इलाका था, चाहे वो भिवानी है, रेवाड़ी है, महेंद्रगढ़ है, गुरुग्राम है, फरीदाबाद है, उस तरह होता ही नहीं था। थोड़ा सा इलाका जो किसानी खेती का बचता था वो यहाँ हमारा यमुनानगर, अंबाड़ा, करनाल, कुरुक्षेत्र, इन चार पांच छह जिलों तक सीमित था। उसके बाद प्रदेश की स्कीमें बढ़ी, सरकार ने नीतियां लगाई, और पिछले सात वर्षों की अगर आप तुलना करोगे तो उसमें तो रिकॉर्ड तोड़ किया है सरकार ने काम। चाहे वो हम लोग जो एमएसपी केंद्र की स्कीम के तहत, पंजाब तो सिर्फ तीन फसलों पर दे रहा है, हम 11 पर दे रहे हैं। उसके बाद हमने फल और सब्जियों को लेकर के भी जो भावांतर भरपाई योजना लेकर के आए हैं उसका किसानों ने बहुत जोरदार तरीके से स्वागत किया है। तीसरा, हमने जो मुआवजा दिया है किसानों को वो अपने आप में बहुत बेमिसाल है। लगभग हमने 7,000 करोड़ रुपए का मुआवजा दे दिया जी। किसी भी तरह से किसान को नुकसान ना हो और किसान सम्मान निधि की जिसकी हम बात करते हैं, जब इतनी फिक्र है सर, 6,000 रुपए नहीं सर, अगर इतनी फिक्र है तो कांग्रेस का सवाल भी तो वाजिब है ना कि किसानों के एजिटेशन को खत्म क्यों नहीं कर पा रहे हैं आप, क्यों उनकी मांगे नहीं मान पा रहे हैं आप, आखिर क्या मजबूरी है? नहीं, सुनिए सुनिए, किसान के आंदोलन की जहां तक बात है जी, 11 दौर की बातचीत के बाद भी सिर्फ किसान आंदोलन, अब किसान के रूप में वो सिर्फ आंदोलन नहीं रहा, उस आंदोलन का तो अगर आप देखोगे तो अलग अलग तौर पर, आज उस पर लंबी चर्चा करने का विषय इसलिए नहीं है क्योंकि ये किसान के आंदोलन पर बहस नहीं है जी। किसी दिन किसान आंदोलन पर बहस होगी, उस दिन कांग्रेस के प्रवक्ता भाई से पूछेंगे कि इसके नुकसान गिनाओ, इसके फायदे गिनाओ, इसके कालापन क्या है, क्यों गिनवाओ। आज बहस ये है, इस प्रकार से हरियाणा ने मनोहर सरकार के नेतृत्व में किसानों के लिए सम्मान की बातें शुरू की है, चाहे वो 85% सब्सिडी है, चाहे वो मेरा ब्यौरा है, ठीक है चैल साहब मेरी विरासत। मान साहब ने तो कहा कि तुलनात्मक तौर पर हम इसे नहीं देख सकते क्योंकि पंजाब और हरियाणा दोनों ही प्रदेश अग्रणी प्रदेश कृषि क्षेत्र में, लेकिन मुझे जवाब दे दीजिए, अगर कुछ आंकड़े ये बताते हैं कि वाकई नीतिगत फैसले हरियाणा सरकार की तरफ से कुछ ऐसे लिए गए जिससे किसानों को फायदा हुआ है,
तो आखिर ये मानने में बुराई क्या है? आखिर इस बात को कबूल करने में क्या दिक्कत है? अगर आप देखेंगे 2000 NCERB की रिपोर्ट को आप देखेंगे तो 2018-19 में एक भी किसान ने आत्महत्या नहीं की हरियाणा में, और ये जो आंकड़ा पंजाब के लिए 471 किसान ऐसे हैं जिन्होंने आत्महत्याएं की हैं। चहल साहब, हाँ हाँ, आप मेरे से करें जी, मेरी बात सुनिए। जो किसानों की पंजाब में अभी हम पहले, सबसे पहले मैं किसी पार्टीबाजी में इसलिए मैंने बयान नहीं दिया स्टेटमेंट्स, क्योंकि ये किसानों की बात हुई थी जी। पिछले 10 साल में जो इनके भाईवाल रहे हैं हमारे, जिनके साथ इनका एक नाखून और मांस का रिश्ता रहा अकाली दल, जो उन्होंने किसानों की दुर्दशा की पंजाब में, जो उन्होंने किसानों के साथ किया मिलके, मलाई इन्होंने इकट्ठे लोगों ने खाई, कोई डाइवर्सिफिकेशन की बात नहीं की। जब से कांग्रेस सरकार आई है डाइवर्सिफिकेशन की यहाँ बात चल रही है, यहाँ पे आत्महत्या नहीं की। मेरी बात बीच में मत बोलिए, और दूसरी बात मैं बात कर रहा हूँ, आप आगे बात कीजिए, जो उसका जवाब दीजिए। बात है अलग अलग एटमॉस्फेयर की, जवाब तो सही दीजिए ना चहल जी, कर ही नहीं सकते। सिर्फ अगर किसान की बात कर रहे हैं, किसान के हित की बात कर रहे हैं, तो मैं इनको बोल रहा हूँ कि ये जो 3 काले कानून लिए हैं, मैं आपसे किसानों की आत्महत्याओं पर सवाल पूछ रहा हूँ, आप फिर से किसान आंदोलन का मुद्दा उठा रहे हैं, तो मैं ये क्यों ना मान लूं कि चुनावों में कांग्रेस किसानों का मुद्दा, किसानों के एजिटेशन को भुनाना चाहती है? चहल साहब, मैंने आपसे सवाल क्या पूछा, आप जवाब किसानों के एजिटेशन को लेकर दे रहे हैं, तो मैं ये क्यों ना मान लूं, या ये क्यों ना मान लिया जाए कि कांग्रेस किसानों के एजिटेशन को चुनावों में भुनाना चाहती है, या किसानों के जो आंदोलन का मुद्दा है उस पर चुनाव लड़ना चाहती है? जो आप कांग्रेस पे ये ब्लेम लगा रहे हैं ना कि कांग्रेस, सर मैं ब्लेम नहीं लगा रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, मैं आप पर कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मेरा सीधा सवाल तो किसानों की आत्महत्याओं को लेकर था, आप उस पर जवाब दे दीजिए। जो जो किसानों की आत्महत्याएं हुई है, जो किसी कारणवश हुई है, उनके लिए कैप्टन सरकार ने उनके लिए 3-3, 4-4 लाख उनके परिवारों को दिया, और एक सरकारी नौकरी दी है जी। मैं मतलब सर किसानों पर, चलिए आत्महत्याओं को आप किसी कारण, आत्महत्याओं के कारण आप बता रहे कि 471 किसानों ने किसी ना किसी कारण से आत्महत्या कर ली होगी, लेकिन अगर अगर औसत कर्ज की बात करें तो औसत कर्ज भी पंजाब के किसानों पर हरियाणा के किसानों से ज्यादा है, कीमत 3-4 लाख रुपए ही है। इसका मतलब आप ये कह रहे हैं, आप एक प्रोटोकॉल तो समझिए डिबेट का क्या होता है, बीच में को बोलता है, आप समझिए ना, आप बताइए इस बात को, बोलने नहीं देते, चलिए बात समझने की कोशिश, दिल साहब सुन लीजिए, बात समझाने की ऐसे टाइम टपा रहे हैं आप। दिल साहब आप जरा ठहरिएगा, चहल साहब एक आखिरी सवाल मेरे साथ मैं पूछूंगा और उसमें कम शब्दों में आप जवाब दीजिएगा। आपने आत्महत्याओं का जिक्र किया, आपने कहा कि किसी कारणवश आत्महत्याएं किसानों ने की होंगी, लेकिन कर्ज में भी तो किसान डूबे हैं पंजाब के, उस पर जवाब दे दीजिए। मेरी बात सुनिए जी, कर्ज में जो पंजाब डूबा है कितना डूबा है? देखिए प्रति कृषक परिवार औसत बकाया कर्ज 1,19,500 रुपए है सर, और यही 79,000 यही कर्ज औसतन 79,000 है प्रति कृषक परिवार हरियाणा में। कारण ये रहा है कि हमारी जो मालवा बेल्ट है जी, मालवा बेल्ट में 3-4 सीजन हमारी कॉटन नहीं हुई, क्योंकि उस तरफ से जो जमीनें थी वो रेतली थी, वहां पे नरमा होता था, वहां नरमे की खेती होती थी, कपास की होती थी। वो जब से उन्होंने 10 साल इनकी सरकार रही है, जैसे बीज घोटाले हुए हैं, उसकी वजह से किसान कर्जे में आ गया जी, यही कारण रहा उस बात का। ठीक है, अब उन लोगों के लिए ठीक है, मुझे माफी के साथ रोकना पड़ेगा आपको, मैं हालांकि मैं गुरजीत सिंह जी से भी आखिरी कमेंट लेना चाह रहा था, लेकिन वक्त यहाँ मेरे पास कम है, वक्त इस डिबेट का खत्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया कृष्ण ढोल, राणा बलजीत चहल और गुरजीत सिंह मान जी, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल कांग्रेस और हरियाणा, माफ कीजिएगा, हरियाणा और पंजाब के बीच किसानों को लेकर ये सियासी जंग छिड़ पड़ी है कि कौन आगे, हालांकि हरियाणा के अपने दावे हैं, पंजाब कांग्रेस से कहती है कि किसानों के एजिटेशन को खत्म क्यों नहीं कर पा रही है हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार। फिलहाल बड़ा मुद्दा में इतना ही, लेकिन खबर फास्ट पर खबरें जारी हैं।